आखिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है क्या, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आखिरकार है क्या। देखिए, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी आपने पेपर पे लिखा, ठीक है, अब कोई भी चीज पेपर पे लिखी हुई है, लाइक मान लीजिए लिखा हुआ है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो आप उसको अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे टाइप करते हैं, लाइक मैंने ओपन किया है लिब्रा राइटर, तो लिब्रा राइटर पे अगर मैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन टाइप कर दूंगा और फिर यहां से फाइल पे जाऊंगा, फिर सेव करूंगा इसको, तो ये जो प्रोसीजर है, अब ये जो है सॉफ्ट कॉपी इसकी सेव हो जाएगी। अब यहां पर ओके कर दिया मैंने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी फिजिकल टेक्स्ट है अगर लिखा हुआ है, उसको आप टाइप कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा। दिस इंक्लूड्स मेनी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। अब मान लीजिए कि ये जो पहला वाला पैरा है, यहां पर जो फुल स्टॉप दिया गया है, इसको मैं उठाता हूं और यहां पर इसे बोल्ड कर देता हूं, तो ये मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसे भी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप जो पेपर पे लिखेंगे, पेपर वर्क जो है आपका, वो हल्के में हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से ब्लू पेन से लिखा, क्या लिखा, किस तरह से लिखा, तो आप इसको और भी ज्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेटिंग का मतलब इसी से है, ठीक है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट और भी ज्यादा अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे, ठीक है। और यहां पर दिया हुआ है This includes many formatting options to create beautiful and arranged document. There are many styles and formatting options which also includes color changing and paragraph writing. ठीक है, अगर आपको पैराग्राफ बनाना, जैसे सपोज कीजिए कि यहां से पैराग्राफ चेंज होता है, तो आप यहां से थोड़ा सा गैप दे दीजिए, ठीक है, और गैप देकर के इसी चीज को लिख दीजिए, यही तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। अलग से थोड़ी ना आपको लिखना है, आपको यही सारी चीजें इंग्लिश में लिख देनी है ट्रांसलेट करके, ठीक है, तो ये यही कहलाता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब मान लीजिए इसको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करके लगाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसे मैं कर देता हूँ रेड कलर से, ठीक है, और बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ यहाँ पे येलो, येलो कलर से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, तो अब देखिए ये देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो यही कहलाता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जैसे मान लीजिए ये तो फॉर्मेटिंग होगी, देखिए इस पे मैंने फॉर्मेटिंग लगाया है, कलर चेंज कर दिया, देख रहे हैं, तो ये कलर चेंज हो गया। अब देखिए यहां पर स्टाइल की बात है, स्टाइल लिखने का स्टाइल, यहां पर देखिए ये सीधे तरीके से लिखा गया है, ठीक है, और फिर ये तिरछे अक्षरों में लिखा गया है, इसको हम इटैलिक कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो इटैलिक वे में लिखा गया है ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें फॉर्मेटिंग भी यूज की गई है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रेड कलर का है, इसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। यहां पर देखिए ये नंबरिंग इंसर्ट कराई गई है, ये भी एक तरह की फॉर्मेटिंग ही है, और यहां पर देख लीजिए ये इमेज भी इंसर्ट कराया गया है, तो इसको अपने अनुसार आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहां से रिसाइज कर सकते हैं, मैंने इसको फिलहाल एडजस्ट करके रखा हुआ है, तो ये देखिए ये इमेज भी बीच में इंसर्ट कराया गया है, तो ये ही कहलाता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब ये जो इमेज है, इसके माध्यम से आप देख करके बता सकते हैं कि एसक्यूएल कमांड क्या है, डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, कितने टाइप का होता है, डीसीएल क्या है, टीसीएल क्या है, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसी को कहते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, टेम्पलेट क्या होता है, जैसे पहले से डिजाइन करके कोई डॉक्यूमेंट रख दिया गया, ठीक है, और उसको आप बार बार यूज करें, जैसे एक लेटर का फॉर्मेट मान लीजिए मैंने बना दिया, एमएस वर्ड पे बना दिया, लिब्रा राइटर पे बना दिया, कहीं भी बना दिया, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो आपने फॉर्मेट बनाया है उसी फॉर्मेट पर बार बार आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपको आधी चीजें तो पहले ही फॉर्मेटिंग होके मिल गई हैं और आपको सिर्फ लेटर टाइप करना है, उस पे आपको फॉर्मेट नहीं करना, उस डॉक्यूमेंट को आप डायरेक्ट लेटर टाइप कीजिए, आपका काम होता चला जाएगा, तो वो कहलाता है टेम्पलेट। प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है टेम्पलेट कहलाते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किताब देखा, किताब कोई भी आप खोलते हैं तो उसमें आपको इंडेक्सिंग मिलती है, तो कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे दिया हुआ है, मान लीजिए दूसरा चैप्टर जो है पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है, 12 पे दिया हुआ है, तो आप 12 नंबर जो पेज है उसको डायरेक्टली ओपन करते हैं तो वहां आपको दूसरा चैप्टर मिल जाता है, यही कहलाता है क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है एमएस वर्ड में और यहां पर भी आपको मिल जाता है, तो दोनों ही जगह लिब्रा राइटर में भी मिल जाएगा, एमएस वर्ड में भी मिल जाएगा, तो यही कहलाता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब तो क्लियर हो गया होगा और इस पर काफी ज्यादा आपको मैटर भी मिल जाएगा लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।